नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुरादाबाद में पिछले 2 सालों से सविता और प्रवेश लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। एसडीएम सदर पर उत्पीड़न के आरोप लगा रही है। न्याय न मिलने के कारण डीएम कार्यालय के आगे दोनों दलित महिलाएं बैठ गई हैं। निजी जमीन पर प्रधान की मिलीभगत से बने सार्वजनिक शौचालय, ऐसी बात इन्होंने कही है। वर्तमान प्रधान मंजीत और पूर्व प्रधान करमवीर पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एसडीएम सदर द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। एसडीएम सदर मामले को दबाने में जुटे हैं, ऐसे आरोप ही लगे हैं। ये पूरा मामला उत्तमपुर बहलौलपुर का बताया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल के आवागढ़ क्षेत्र में कमरे के अंदर 23 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके शिनाख्त कृष्णा शाह के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसिड अटैक हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद गांव में महिला का शव पहुंचने से हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी सहित गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बीते 9 मई को आरोपियों ने पीड़िता के माता पिता पर एसिड अटैक से हमला किया था। पति गंभीर अवस्था में बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। थाना गजरौला क्षेत्र के अग्यारी गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके लक्ष्मण झूला पुल को सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। ऐसे में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को गंगा आर पार जाने के लिए 1 महीने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए गंगा में पर्यटकों के लिए चलने वाली नाव अब स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को निःशुल्क गंगा पार कराएगी। नाव में गंगा पार करने के लिए आपको केवल अपना कोई भी आईडी कार्ड दिखाना होगा। इस सेवा के शुरू होने से स्कूली बच्चों ने स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। संज्ञान में आया है, जो लोकल लोग हैं उनके लिए जो है, जो नाव घाट से जो नाव चलती है वो निःशुल्क रूप से चलाई जा रही है, और जो कि एक अच्छा विषय है। क्योंकि किन किन लोगों को ये सर्विस फ्री दे रहे हैं? खास करके हमारे जो लोकल स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, जो लोग इस पार से उस पार काम करने जाते हैं और इस पार से इस पार काम करने आते हैं, उन लोगों को तो मेरे संज्ञान में है कि निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये तो बड़ा सराहनीय कदम है। कब से निःशुल्क सेवा दी जा रही है? जब से झूला बंद हुआ है तब से। ये निःशुल्क जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके लिए निःशुल्क आवागमन है। जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जो लोकल इधर से आना जाना कर रहे हैं, उन सबके लिए निःशुल्क है यहाँ पर। कब से आपने ये? जब से पुल बंद हुआ है 17 तारीख से, तब से ही निःशुल्क आना जाना हो रहा है सबका। आगे भी आप ये सेवा जारी रखेंगे? जब तक कोशिश जारी रहेगी। किस तरीके का मतलब इसमें आपको लॉस हो रहा है, क्या है लॉस? तो देखो जी, पेट्रोल तो लग ही रहा है, पेट्रोल है, इंजन की घिसाई है, स्टाफ है, सब कुछ ही है इसमें। तो बाकी स्थानीय लोगों के लिए है ये फ्री, जब तक चल रहा है चलाएंगे। स्थानीय लोकलों के लिए भी? लोकल लोगों के लिए फ्री है, जब तक हो सकेगा तब तक करें। पहचान करते हैं आप इनकी? लोकल आईडी देख के, आधार कार्ड देख के, पहचान पत्र देख के, कुछ भी चीज़, लोकल आईडी, तपोवन हो गया, जो आसपास के जो भी सबका। मंदिर से घर लौट रही महिला के गले से दिन दिहाड़े 2 बदमाशों ने चेन झपट ली। पंजाबी मोहल्ला निवासी उषा रानी, जो कि सुबह 9 बजे मंदिर में कथा से लौट रही थी, गली के अंदर जाते ही आगे जा रहे बदमाश ने चेन झपट ली और अपने साथी बदमाश के साथ बाइक पर बैठकर आरोपी फरार हो गया। सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहजहाँपुर में शहर की पॉश कॉलोनी वृंदावन गार्डन में दिन दिहाड़े चोरी हो गई। चोरों ने अलमारी में रखे जेवर पर चपत लगा दी। जलालाबाद में पीड़ित दंपति शिक्षक बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नामांकन कराने के बाद विधानसभा में अन्य दल भी अपनी दावेदारी करने लगे हैं। इसी क्रम में चंपावत से कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए निर्मला गहतौड़ी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। निर्मला गहतौड़ी ने करीब 11:30 बजे चंपावत तहसील पहुंच चुनाव आरओ हिमांशु कफिजलिया के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे? बड़े जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
ऐसा है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, जनता ने मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया। लेकिन प्रतिद्वंदी मजबूत है सीएम है सब लोग। अब सीएम आप ही पहले ही सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे, तो आप समझ लो कि सभी लोग विश्वास करते हैं। आज उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे सारे मंत्री और जो है सारे प्रशासन शासन और चुनाव आचार संहिता के बाद यहाँ पर जो ट्रांसफर किए गए हैं, मनपसंद अधिकारी को लाया गया है, तो उसे साफ पता चलता है कि चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि निर्मला गैतोड़ी पहाड़ की महिलाएं हैं, और आप जानते हैं कि जो हमारा पहाड़ है वो अगर आप देखेंगे तो पूरा परिवार महिला पर टिका हुआ है। अगर पति कहीं सरकारी नौकरी करता है, ज्यादातर लोग आर्मी में हैं, तो पूरे घर को संभालने का काम महिला करती है। घास काटने से लेके फसल पैदा करने से लेके बच्चों को पढ़ाने तक की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। तो हमारी प्रत्याशी हैं और योग्य हैं, सुलझी भी हैं और उनके अंदर काबिलियत भी है, और 10 साल तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। एक जाना पहचाना नाम है निर्मला जी को। मैं समझता हूँ चंपावत ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी एक पहचान है, नाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैदान में है, ये निर्णय चंपावत की महाजनता ने करना है। कांग्रेस के लिए कठिनाई नहीं है, एक तो सशक्त महिला है जैसा आपने भी कहा, मेरी इंस्ट्रक्टर रही हैं मैं मनरेगा की, और पुरानी यहाँ की जिलाध्यक्ष भी रही हैं, और सरकार जब थी तो वो राज्य मंत्री भी रही हैं। रही बात मुख्यमंत्री की मजबूती की, बगल में भी मुख्यमंत्री जी 10 साल तक विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे छोटे भाई भुवन कापड़ी ने उनको हराने का काम किया है। और बीजेपी की हालत खराब है, मनोज तिवारी जी से हारे हुए व्यक्ति को यहाँ उन्होंने प्रभारी बनाया, हमने मनोज तिवारी जी को प्रभारी बनाया है। और जनता जो है बिल्कुल बहलकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेंड है वो 4 महीने में 3 महीने में 2 साल में मंत्री बदलती रहे, तो ये मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे पता नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद यातायात व्यवस्था में बाधक बनने वाले अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हटाया गया अतिक्रमण फिर से लगने की शिकायत पर नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अंजाम दिया। बता दें कि बुधवार को सबसे पहले नगर निगम की टीम पुलिस की मौजूदगी में त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां अतिक्रमण को हटाया गया। फिर कोयल घाटी में डिग्री कॉलेज के पास अतिक्रमण होने की सूचना पर नगर निगम की टीम पहुंची है, जेसीबी से कई अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार से दोबारा अतिक्रमण करने की हिमाकत अतिक्रमणकारी ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये जो कार्रवाई है ये हमारे मुख्य नगर आयुक्त के आदेश अनुसार और पूरे नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत, और इस वक्त आप लोगों को मालूम भी होगा शायद चारधाम यात्रा का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी तीर्थयात्री हमारे यहाँ आएंगे उन सबको जो है किसी तरह की सुविधा ना हो, तो फिर इसी वजह से ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है। ये पूरे ऋषिकेश में अभी हमारा जो आज अभियान जो है वो रेलवे रोड पर है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर मंडी के सामने जो डिग्री कॉलेज के सामने है, जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो सबको हटाया जाएगा। घाट में भी टीम पहुंची थी लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पे कार्रवाई के लिए एक्चुअली कुछ पेपर्स हैं उनके पास, कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हें लोगों ने बुलाया कि आप लोग ऑफिस में थोड़ा जमा कराएं। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे को लगातार शिकायत मिल रही थी कि शहर के बीचों बीच बनी पॉश कॉलोनी KGN2 में एक अवैध फर्नीचर फैक्ट्री चल रही है, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। उनके साथ वन विभाग की टीम, बिजली विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, GST टीम, फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, और जांच कर कार्रवाई की फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कहीं और का था। यह अवैध तरीके से पॉश कॉलोनी में चलाई जा रही थी, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए उसको सीज कर दिया और अग्रिम कार्रवाई के लिए डीएम पुलकित खरे को भेज दिया गया है।
मुरादाबाद में थाना काट के ग्राम जजपुरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने पर काट एसडीएम के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ता और जमकर प्रदर्शन किया। डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात कर अपनी मांग रखते हुए बताया कि पिछले दिनों जजपुरा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जिसका काम रुकवा दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज हिंदू युवा वाहिनी ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व में कुछ दिन पहले ग्राम छजूपुरा में, जो कि काट के अंदर अंतर्गत आता है, एक बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर चजलेट वहां पर मौके पर मौजूद थे। और उसमें प्रशासन ने आपत्ति जताते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर, हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी पे एवं ग्राम प्रधान और 5-6 लोगों के खिलाफ अज्ञात के उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 50 से ज्यादा स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने जनता से भी अपील की है कि वे सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहने। जनपद सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 से ज्यादा स्थानों पर कैमरेज लगाए गए हैं और बहुत सारे स्थानों पर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम वाले एनपीआर कैमरेज भी लगाए गए हैं, जिसके तहत वो स्वयं ही डिटेक्ट कर लेते हैं ये कोई भी ट्रैफिक वायोलेशन, जैसे ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग या फिर विदाउट हेलमेट करके कोई भी चलता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसी के क्रम में लास्ट एक हफ्ते में हम लोगों ने 17,500 वायलेटर्स पकड़े, जो विदाउट हेलमेट वाले थे, और ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट के कॉम्बिनेशन वाले भी 700-800 वायलेटर्स हम लोगों ने पकड़े। तो इसमें जनता को भी मैं सुरक्षा के लिए आगाह करना चाहूंगा कि हेलमेट सुरक्षा के लिए पहने, और इसके अलावा जो वायलेटर्स हैं उनको चिन्हित करके हम ई चालान के माध्यम से चालान उनका सबका जो भी समुचित धारा है उसमें चालान करवाए जाना। यमाणी फ्रेमवर्क यूपी सहित पूरे देश में सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार का एक और कदम सामने आया है, जिसको लेकर तहसील में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री वाईफाई सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये आज हम बताना चाहेंगे कि पीएम वाणी प्रोग्राम एक आया है, जिसके लिए लखनऊ से निर्देश आया था कि आप दुकानदारों की बैठक करके उनको इस योजना के बारे में बताया जाए, ताकि उनको एक्स्ट्रा लाभ हो सके। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग गांव-गांव वाईफाई को फैलाएं और दुकानदारों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अब जो भी हमारा एमपीएस सिस्टम है उसमें दुकानदारों को कमी सकता भी कम है और इनका मुनाफा बढ़े, सरकार इसके लिए चिंतित है। क्योंकि इसी के दृष्टिगत पीएम वाणी प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें जो ये डीके गुप्ता सर हैं जो दिल्ली से आए हैं और जो इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके खूबियों के बारे में। जो उभर के जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हर एक दुकानदार पीडीओ बन सकता है। ये प्राइमली पीएम वाणी योजना है। पीएम वाणी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। ये पीएम मतलब इसके अंतर्गत आम पब्लिक वाईफाई सिग्नल को एक चीपेस्ट रेट पर हाईली स्टेबल सिग्नल आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है और आसानी से पब्लिक यूज कर सकती है, जो कि पहले हमारा जो प्राइवेट वाईफाई में पब्लिक यूज नहीं कर सकती है, हम पर्सनली यूज कर पाते। इसमें आम पब्लिक जो 200 मीटर की रेंज में जैसे एक डिवाइस लगा लिया, एक डिवाइस लगाने के बाद उस की रेंज जो रहती है वो 200 मीटर रहती है। आगरा विकास प्राधिकरण में बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। आगरा के व्यापारियों को करोड़ों की जमीन एटीए ने कौड़ी के भाव दे दी है। आगरा विकास प्राधिकरण एक बार फिर घोटाले के आरोप में घिरा है। आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट को लीज पर देने पर सवाल उठे हैं। करोड़ों की जमीन को 2,00,000 रुपये साल पर 20 साल के लिए आगरा के एक बड़े उद्योगपति की फर्म में केवलिया एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है और कंपनी और एडीए के बीच ये एएमयू साइन हुआ है।
आखिर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव क्यों बेच रहा विभाग, ये बड़ा सवाल है। विभाग द्वारा कौड़ियों के भाव दी गई जमीन पर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अलीगढ़ में टप्पल ब्लॉक के जेतपुरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल बचाव गोष्ठी के तहत लोगों को जल संरक्षण का महत्व बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेल तक पानी पहुंचे, तालाब पोखर भर जाए और घर घर नल पहुंचे जिससे शुद्ध पानी लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी घरों में स्वच्छ पानी नल के माध्यम से लोगों को मिले, यही प्रधानमंत्री का सपना है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।